ये स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग टर्म के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उसके अंदर हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस, फिर मीनिंग एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग लर्न करेंगे। शुरुआत ये अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब ड्यूरिंग द ईयर हम कौन कौन से बुक प्रिपेयर करने वाले हैं वो लर्न करेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अगर ये फाइनेंशियल मतलब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है तो उसका रिकॉर्ड हम अकाउंट में करेंगे, और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो भी होंगे उसको हम बिजनेस में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सबसे पहले प्रोसेस में क्या करना है, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक। अच्छा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है तो उसका आपको फिर मेजरमेंट मतलब वो ट्रांजेक्शन की मॉनेटरी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और अकाउंट में हम मॉनेटरी वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, राइट। जो भी आपने ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई किया उसका मॉनेटरी वैल्यू फाइंड की, अब उसका रिकॉर्ड, तो याद रखना अकाउंटेंसी में सबसे पहली रिकॉर्ड जिस बुक में की जाती है उसको हम बोलेंगे जर्नल, जो बेसिक प्राइमरी बुक है। अच्छा, कोई बिजनेस यूनिट जर्नल नहीं प्रिपेयर कर रहा है और उसका ऑप्शन चूज किया है तो वो सब डिवीजन ऑफ जर्नल है, यानी सब्सिडरी बुक्स है, पर वो सारी बुक है तो ओरिजिनल एंट्री की बुक, यानी आइदर जर्नल प्रिपेयर करेंगे या फिर उसकी सब्सिडरी बुक्स। तो ये सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी है, तो सारे कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन परचेज बुक में, क्रेडिट सेल सेल्स बुक में, क्रेडिट परचेज रिटर्न है वो परचेज रिटर्न बुक में, इवन क्रेडिट सेल्स रिटर्न है तो वो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और रिमेनिंग ट्रांजेक्शन के लिए जर्नल प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आइदर जर्नल में एंट्री करनी है या फिर सब्सिडरी बुक्स, और ये बिजनेस यूनिट तय करता है कि उसको जर्नल प्रिपेयर करनी है या फिर सब्सिडरी बुक्स। और उसके लिए क्ल्यू मैं दे देता हूं कि जिस बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिटेड होंगे, कम होंगे, तो वो लोग जर्नल प्रिपेयर करेंगे, बट जिस बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लार्ज स्केल में होते हैं तो ऐसे बिजनेस यूनिट में जनरली सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करेंगे। अब ये तो बातचीत हुई रिकॉर्डिंग की कि शुरुआत में रिकॉर्ड हम कहां पे करेंगे। Now, उसके ऊपर से आएगा क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन, मतलब लेजर बनाएंगे। लेजर में यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। फिर लेजर के बाद में ईयर के एंड में या अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम इसकी समरी बनाएंगे। समराइजिंग मतलब सबसे पहले ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस के ऊपर से ईयर के एंड में ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बाद में बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से हमें पता चलेगा कि ड्यूरिंग द ईयर हमने जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस की है, रिकॉर्डिंग किया है, उसमें कोई गलती हुई है कि नहीं हुई। अगर कोई गलती है तो चेक करेंगे और उसकी रेक्टिफिकेशन एरर देंगे, और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट के साथ फाइनल अकाउंट, उसमें सबसे पहले प्रिपेयर करने वाला है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट पर से ड्यूरिंग द ईयर हमारे बिजनेस में से ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ वो फाइंड कर पाएंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने से हमारे बिजनेस में से नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस गया है वो फाइंड करेंगे, और लास्ट में बैलेंस शीट मतलब ईयर के एंड में उस दिन, सपोज 31 मार्च को ईयर खत्म हो रहा है तो 31 मार्च के दिन
बिजनेस की एसेट कितनी है और अपोजिट साइड उसकी कैपिटल कितनी है और लायबिलिटी कितनी है, वो जानने को मिल रहा है, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन आपको पता चलेगा। तो ये प्रिपेयर करने के बाद उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करेंगे और फिर ये डेटा जो भी है उसको हम कम्युनिकेट करेंगे टू इट्स यूजर। और ये यूजर कौन कौन से हैं तो ये भी हम लोग इसी चैप्टर में सीखने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं, तो वो आपको बाद में पता चलेगा। पर मैंने अकाउंटिंग डेफिनेशन या मीनिंग या और कोई भी चीज सीखने से पहले इसलिए सब आपको ये प्रोसेस बता दी कि ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होती है, कि ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाइड करो, मेजरिंग करो, फिर उसका रिकॉर्डिंग, फिर उसका क्लासिफाइंग, फिर उसके ऊपर से समरी बनाएंगे और फिर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन और ये सारे डेटा कम्युनिकेट करेंगे। तो इसके ऊपर से ही आपको डेफिनेशन मिलेगी नेक्स्ट, डेफिनेशन एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। फिर से मैंने इसलिए आपको लेफ्ट साइड पे वही चार्ट जो प्रीवियस स्लाइड में था वो रखा हुआ है। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें मैंने पहले आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग इनको ब्लू लेटर्स में लिखा हुआ है आपको। तो यहां तक का जो है ना वो है आपकी बुक कीपिंग और उसके बाद वाले जो है वो सारे है अकाउंटिंग। तो आगे जाके अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का डिफरेंस आएगा तब भी आपको ये रियलाइज करवाऊंगा, पर अभी टेम्पररी हमने जो प्रोसेस किया ना उसको ही बायफर्केट किया हुआ है उन्होंने। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, आइडेंटिफाइंग, फिर मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, फिर उसका क्लासिफाइंग मतलब लेजर प्रिपेयर करना, फिर उसकी समरी तैयार करना यानी कि ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, फिर उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना है और फिर उसको कम्युनिकेट करना है उसके यूजर तक। तो वही उसके एट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या एट्रीब्यूट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि अकाउंटिंग का एट्रीब्यूट का सबसे पहला कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, फिर उसका मेजरिंग करो, थर्ड वन रिकॉर्ड करो, फोर्थ वन क्लासिफाइड करना है, फिफ्थ वन समरी, सिक्स्थ वन उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करेंगे और लास्ट वन कम्युनिकेट करेंगे टू इट्स यूजर, राइट। तो पहले लेक्चर में आपको यहां तक का याद रखना है, पर सबसे पहले तो अकाउंटिंग प्रोसेस पूरी समझ लेना, एक दो बार आप लोग लर्न कर लेना, राइट। तो ये ड्यूरिंग द ईयर यही सारे चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। फिर तो शुरुआत यहां तक ही आपको करना है, आप डेफिनेशन और एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग के लिए पहले प्रोसेस समझ लेना और फिर ये रिफर करके रखना। इवन ये पहले चैप्टर की प्रीवियस ईयर की जो टीएस ग्रीवाल है पहले चैप्टर का पूरा स्कैन करके भी मैं आपको अलग से ग्रुप में रख रहा हूँ, तो वो भी आप लोग एक बार देख लेना। थैंक यू स्टूडेंट।